सड़क क्रू जैसी मूवी देखने के बाद अगर आपका बॉलीवुड से भरोसा उठ चुका है और अगर आपका कुछ भी देखने को मन नहीं कर रहा है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। साउथ की मूवीज ने हमेशा से हमारा एंटरटेनमेंट किया है, चाहे वो उनकी जबरदस्त स्टोरी लाइन हो या फिर थ्रिलर और मिस्ट्री का कॉम्बिनेशन। तो कुछ एक ऐसा ही रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसको जिसने देखा वो इस मूवी के साथ ग्रिप होता हुआ चला गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिनेटास्टिक रिव्यू ऑफ सी यू सून। फिल्म को ओरिजिनली मलयालम में शूट किया गया है पर आप इसको इंग्लिश सबटाइटल्स की मदद से आसानी से एंजॉय कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत जिमी और अनमोल से शुरू होती है जो एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिनका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि दोनों शादी जैसे रिश्ते में बंधने के लिए सोचने लगते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है जिमी की फैमिली मेंबर्स की जो अनमोल के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, चाहे वो उसका पास्ट हो या उसका बैकग्राउंड, जिसकी जिम्मेदारी वो जिम्मी के कजन केविन पर डाल देते हैं जो एक पेशे से हैकर हैं, जो इस नेटवर्किंग की दुनिया में घुसकर अनमोल की सारी डिटेल्स निकालते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अचानक अनमोल घर से गायब हो जाती है, जो सिर्फ अपने पीछे एक मैसेज छोड़कर जाती है जिससे सीधे शक की सुई जिम्मी पर चली जाती है। आखिर अनमोल किस चीज से भागने की कोशिश कर रही है या फिर वो किसी साजिश का शिकार बन चुकी है? फैमिली या प्यार जिम्मी किससे धोखा खाएगा? क्या अनमोल के पीछे कोई डार्क सीक्रेट है जिसके ऊपर से केविन पर्दा उठाएगा, या फिर इस फ्रॉड के गलियारे में जिमी का प्यार कहीं खो जाएगा? इन सारे सवालों के जवाब देने का काम करती है मूवी सी यू सून। इस 2 घंटे की मूवी को आप Amazon Prime पर देख सकते हैं जो कि एक रोमांटिक मिस्ट्री मूवी है। कोविड जैसी सिचुएशन ने लोगों को सेल्फ एफिशिएंट होने का एहसास तो दिला ही दिया था, पर इस मूवी को एक मास्टरपीस की तरह स्क्रीन पर उतारने का काम वो भी हमारी एक रेगुलर वीडियो कॉल से कोई जीनियस ही कर सकता है, जहां महंगे कैमरा और 100-200 की क्रू टीम को छोड़कर केवल अपने फोन से रिकॉर्ड कर पर्दे पर उतारने का काम काबिले तारीफ है। फाहिद फैसल जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर होने के साथ केविन का कैरेक्टर भी प्ले कर रहे हैं, उन्होंने बखूबी इमोशंस को स्क्रीन पर उतारा है। फोन पर हुई नॉर्मल वीडियो कॉल की चैटिंग को कहानी के रूप में ढालना, जहां आपको प्यार, गुस्सा, केयर जैसे सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। वहीं पर रोशन मैथ्यू और दर्शना राजेंद्र ने ऑडियंस को ग्रिप करने वाली एक्टिंग की है, जिसकी ट्रेनिंग शायद आलिया को सड़क 2 की परफॉर्मेंस देने के बाद वापस लेनी पड़ सकती है। फहद और रोशन ने एक दूसरे के इमोशंस को फोन पर इस तरीके से उतारा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि दो लोग जो एक दूसरे से मिलो दूर बैठे हैं इसको शूट कर रहे हैं। वहीं पर दर्शना ने एक रोमांटिक गर्ल से एक मिस्टीरियस गर्ल होने तक का सफर बखूबी स्क्रीन पर उतारा है। तो ओवरऑल बोलूं तो मूवी एक मास्टरपीस है जिसको छूने के लिए बॉलीवुड को अभी कई साल लग जाएंगे। वर्चुअल मूवी का एक्सपीरियंस हमें पहली बार देखने को मिला है, जिसको आपको एक बार ट्राई जरूर देना चाहिए। अगर आपको हमारा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। और अगर कुछ रह गया है तो प्लीज़ हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।